भारत माता की। सोचना भूले विरोध में जो कम करवा था उन पर इनकलाब जिंदाबाद, ए इनकलाब जिंदाबाद, ए इनकलाब जिंदाबाद। बात हो 1947 में घणो खतरनाक स्थिति थी, अपनी कतरी देने की स्थिति थी और हंटा ये मैं घना ओपे जोर जबरती और अंग्रेजों का कतरो मने गुलाम ने मतलब ओपे गुलाम का सेन कर प्रति स्वतंत्रता अपन मिली आ एक मोटी बात है। वन टाइम में पर स्वतंत्र सेनानी और नेता घणा ओपन ने वन टाइम में सपोर्ट मिलियो अणी हिसाब थी ओपन पर नेता अपना स्थानीय नेता देवड़ा साहब अर्जुन सिंह जी साहब जे बेड़ू करे भी उठाई है ना वन ने कभी मैं कभी हाथ पास देख लेता देखियो नहीं। और सपुत्र आज प्रधान साहब हमारे देश में हर समय तैयार है और रूप सिंह जी हमारे युवा नेता और सभी पार्टी के नेतागण और अरबन जी देवासी भी हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसी प्रकार नारायण सिंह जी भी हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सभी नेतागण हमारे साथ में जिस प्रकार से हमारी मुट्ठी बंदी होती है उसी में ताकत है और खुली होने के बाद में हम बिखर जाते हैं। तो हम सभी पार्टियों के साथ में मिलकर के काम करेंगे। भारत माता की। हमें देखो अपने दुख थोड़ा गाँव में हमें यू है कि एक कमा जोरदार आनंदरी घड़ी और हाथों ने मैं जिलो वन डे में प्रशासन ओढ़े एसपी कलेक्टर ओढ़े नेतागण ओढ़े और पूर्व जो राजस्थान का कंट्रोलिंग लीडर सीएम साहब गढ़े और रात्र भी कोई भी घटना नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं पर अपना भाई लक्ष्मण जी दिवासी के साथ में दिन दर गोली मार के उन्होंने हत्या कर दी तो क्या प्रशासन मौत क्यों है? मैं ये पूछता हूँ क्या प्रशासन को मालूम नहीं है क्या? अरे ये गुंडा गर्दी सरेआम चल रही है और दिन में चल रही है। अरे रात में कोई भी चोरी कर लेता है पर दिन में चोरी कर रहे हैं और मुंह बांध करके गोली से उसको उड़ा देते हैं, ये सामान्य बात नहीं है। और अब ये भी बात आई है कि 2 वर्ष का मासूम बच्चा उस नशेड़ी ने उसको मार दिया गोली मार करके उसको खत्म कर दिया, उसका क्या दोष था? तो देवड़ा साहब ने हमने अभी पतवार उगाई है, ये हमने कहा है कि अभी हमारा दिल खराब रहा है और हम भले ही वहां पर उद्घाटन करके आए हैं लेकिन हमें जाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले धामल वालों को पूछूंगा कि भाइयों वो अपने भिनमाल जिलों बने तो वरम जाओ वास्ते थे तैयार हो गए नहीं? बोलो भाई। हाँ तो हमें देखो संवाददाता पत्रकार भाई अन्नू बराबर थी जीवन डाक जो और वो एक अपने देश ने आजाद कर गए अतुआ कौन दे रही है। हमारा सासुर हमारे लिए खराब नहीं है, हम किसी जाति के प्रति कोई भी कह नहीं रहे कि बिस्तु जाति खराब है, ऐसे नहीं। चोर किसी भी जाति का हो सकता है और चोर को सजा अभी तक क्यों नहीं मिली ये देखने की बात है, ये देखने की बात है। आज उसने एक बंदूक उठाई है न जाने दूसरे और सीख जाएंगे और घर घर में तालिबान हो जाएंगे जब नेतागण और ये प्रशासन आप क्या करोगे उस समय मैं ये पूछता हूँ आपसे। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, ये लोगों का अभी चुनाव निकलने वाला है। अभी जो हृदय की जो आग है अग्नि है अभी ये फर्क उठेगी तो सदा फिर संभाल नहीं पाएगी। अभी भी वक्त है। अभी मुकेश भाई साहब ने कहा दीक्षित जी कहा कि हमें बिना पूछे हमें हमारा किसी भी प्रकार का नोटिस भी नहीं लिया। अरे पैसे के लिए बैंक में जाते हैं तो सभी बैंकों का नोटिस लेते हैं और नोटिस तो कहाँ लेने की बात है, लेकिन हमें पूछा तक नहीं कि आप कौन से जिले में। तो शाम को चालो रूपी गया, सुबह बच्चा कह रहा था कि पापा गया वो तो हमारा जितना अपराध किया। मैंने कहा रात में कैसे अपराध किया भाई? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजा कालस्य कारणम, राजा का निर्माण कब होता है देवड़ा साहब? जब हमारी करार और विषम परिस्थिति आती है तभी, और उसी समय नेता का निर्माण होता है जो जो जनता का जो आम लोग का जो भला करता और हमारा टेका देता है और उसकी दुख दर्द की कहानी सुनता है और हमारे साथ में वो तैयार हो जाता है तो हम मरने के लिए उसके साथ में पूरी जनता तैयार है। भारत माता की।
अरे तो चलो पेपर वही पेपर।